हेलो जी, की हाल चाल? मैं नहीं बताऊंगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका हाल और चाल होगा बिल्कुल कमाल। और एक और चीज है जो कमाल की है, वो है आज की वीडियो। मगर क्यों? क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉप 5 TWS, हाँ वही डिब्बी वाला ईयरफोन। तो अगर आपका बजट है 1500 रुपए तक का और आपको लेना है यही डिब्बी, यही TWS अच्छा सा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको आपके पसंद के हिसाब का TWS मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रानी और आपका स्वागत है मेरे चैनल योर टेक जोन में। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नहीं, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। अभी के अभी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है US 1984। हाँ, ये एक ईयरबड का ही नाम है, आप ये बस समझिएगा कि किसी संत का नाम है। ओके, सो देखिए लुक वाइज ये ईयरबड काफी कमाल का है, केस एकदम बहुत बढ़िया सा एकदम दिखता है। इसमें सामने की ओर आपको इंडिकेटर लाइट लगा हुआ मिल जाएगा, जो मस्त इसमें आपको बैटरी इंडिकेट करते रहता है, बढ़िया लगता है देखने में। एंड इसके बड्स की फिटिंग की बात करें तो फिटिंग भी काफी अच्छी है, इसे पहनकर आप उछल कूद वगैरह कर सकते हैं, नहीं निकलेगा। इसके फीचर्स देखते हैं तो आपको इसे 5.3 का ब्लूटूथ वर्जन मिल जाता है एंड फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो तुरंत ही कनेक्ट हो जाएगा ऑन करते ही डिब्बी को, डिब्बी ऑन कनेक्शन भी ऑन। ओके, एंड IPX5 का वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट मिल जाएगा, तो जाके कसरत वसरत मेहनत ये सब जाके जिम में अगर आप करते हैं उठा पटक तो पसीना वगैरह निकलेगा तो ये झेल जाएगा। वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट आपको मिल जाएगा एंड आपको इसे मिलेगा डेडिकेटेड गेमिंग मोड, जिसमें आपको 50 से लेकर 55 ms तक की लेटेंसी देखने को मिल जाएगी, तो एक अच्छी गेमिंग आप इसमें कर सकते हैं। एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन का आपको इसमें फीचर मिलता है एक अच्छे कॉर्निंग एक्सपीरियंस के लिए। एंड हाँ, साथ ही इसमें आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन भी मिल जाएगा। टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट मिलता है एंड आपको 6 to 7 hours का प्ले टाइम मिलता है ऑन अ सिंगल चार्ज, और इस तरह से आप केस में इसे 5 बार चार्ज कर सकते हैं, तो टोटल आपको 35 घंटे का मिलता है प्ले टाइम। बट ये डिपेंड करता है कि आप कौन से साउंड पे, कितने साउंड पे सुनते हैं। ज़्यादा का साउंड पर सुनेंगे तो कम हो जाएगा बैकअप, ओके, एंड कम पर सुनेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। सो साउंड क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी बैलेंस साउंड आपको सुनने को मिलता है, बेस इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेगा, एकदम 3D सराउंडेड एक्सपीरियंस आपको मिलेगा साउंड का। वोकल्स ट्रेवल्स का सेपरेशन भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है, सो ओवरऑल देखें तो एक अच्छा म्यूजिक आप इसमें एंजॉय कर पाएंगे एंड गेमिंग के लिए आप इसे ऑप्शन में रख सकते हैं। रेट है इसका इस समय 1499 रुपए, अभी क्योंकि स्टार्ट होने वाला ग्रेट इंडियन फेस्टिवल तो इसका रेट और भी कम आपको मिल जाएगा ये, तो आप इसे बाय कर लीजिएगा उस समय भी, या अभी बाय भी कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रही हूं, आप इसे बाय करें तो प्लीज मेरे ही लिंक से बाय करिएगा, ओके, मुझे भी थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा यार। ओके, तो चलिए अगला देखते हैं। तो मेरे दोस्तों, चौथे नंबर पर आता है मीवी डियोपोड्स A550। तो बिल्ड एंड डिजाइन के मामले में तो ये काफी अच्छा लगता है, एकदम खूबसूरत सा ऐसा ग्लासी फिनिशिंग के साथ ऐसा केस आता है एंड सामने में इसके भी आपको इंडिकेटर लाइट मिल जाएगी एंड जो कि इसमें बैटरी इंडिकेट करती रहती है। इसके जो बड्स हैं वो भी काफी कंफर्टेबल में, आप इसे भी लगाकर यहाँ वहाँ जंप ये वो कर सकते हैं, नहीं निकलेगा। एंड हाँ, ये है इंडिया का ब्रांड, तो अगर आपको कोई चाइनीज नहीं लेना है ना, आपको इंडियन ब्रांड का ही कुछ लेना है तो ये आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। फीचर्स देखते हैं तो आपको इसमें 5.1 का ब्लूटूथ वर्जन मिल जाता है एंड फास्ट कनेक्शन का ऑप्शन ही मिल जाता है, साथ ही आपको वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट मिलेगा। IPX4 स्प्लैश एंड स्वेट प्रूफ है, तो बिल्कुल वैसे जैसे पहले में उछल कूद करो या जाके कसरत करो, आपके स्वेट से इसे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्वाड माइक का सेटअप इसमें लगा हुआ आपको मिलेगा, तो दो दो माइक आपको दोनों ही ईयरबड्स में, दोनों ही बड्स में दो दो माइक लगे हुए मिल जाएंगे, तो एक अच्छा कॉलिंग एक्सपीरियंस आपको इससे मिलेगा। स्पेसिफिक इसमें लो लेटेंसी गेमिंग मोड दिया हुआ है, तो एक अच्छा गेम आप इंजॉय कर सकते हैं। एंड हाँ, इसका सबसे बड़ा हाईलाइट है कि इसकी जो ENC टेक्नोलॉजी है उसमें आपको 90% तक का इन्वर्मेंटल नॉइस कैंसिल कर देने का फीचर मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड आपको इसमें 50 घंटे का प्ले टाइम मिलता है, मतलब 50 घंटे का टोटल बैटरी बैकअप मिलता है, 7 to 8 hours का प्ले टाइम मिलता है आपको ऑन अ सिंगल चार्ज, एंड इस तरह से आप इसे 5 बार चार्ज कर सकते हैं। वैसे आपको पता है कि बैटरी डिपेंड करती है आपके साउंड पर कि आप कितने वॉल्यूम पर अपना जो म्यूजिक है वो सुन रहे हैं।
13mm के बेस ड्राइवर्स आपको इसमें मिल जाते हैं, तो साउंड क्वालिटी की तो आप इसमें बिल्कुल बहुत बढ़िया आपको साउंड क्वालिटी इसमें मिल जाएगा। हाँ, बेस इसमें क्या है कि थोड़ा ज़्यादा दिया हुआ है, तो काफ़ी पंची सा बेस मिलेगा। डेप्थ नहीं है बेस में, लेकिन काफ़ी पंची एंड बढ़िया बेस मिलेगा। वोकल ट्रेवल्स भी आपको अच्छे मिल जाते हैं, तो ओवरऑल म्यूजिक के लिए भी आप इसे अच्छे ऑप्शन में रख सकते हैं। 1 ईयर की वारंटी के साथ आपको मिलेगा एंड इसका रेट है 1499 रुपये। तो अगर आपको ये लेना है तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाके वहाँ से बाय कर सकते हैं आप। फ्रेंड्स, थर्ड पोजीशन पर आता है ट्रुक बर्ड्स प्रो। तो काफी कॉम्पैक्ट से केस में आपको मिल जाता है एंड काफी बढ़िया सा प्लास्टिक मटेरियल आपको इसे मिलेगा, जिससे मैट की फिनिशिंग है एंड साथ ही आपको इसमें सामने की तरफ बैटरी इंडिकेटर भी मिल जाता है। और फीचर्स इसके देखें तो आपको 5.2 का ब्लूटूथ वर्जन मिलता है एंड इंस्टेंट पेयरिंग इसमें भी आपको मिल जाती है। IPX4 का वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंस है, बढ़िया सा टच कंट्रोल के साथ ही आता है, इसका टच कंट्रोल काफी अच्छे से वर्क करता है। ANC फीचर भी आपको इसमें मिल जाता है, जो कि प्राइस के हिसाब से काफी बढ़िया वर्क करता है। क्वाड माइक का सेटअप इसमें भी आपको मिलेगा, दो माइक जो है दोनों बर्ड्स में आपको लगे हुए मिल जाएंगे। इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन का फीचर भी आपको इसमें मिलता है। 50mm की लो लेटेंसी के साथ डेडिकेटेड एक गेमिंग मोड भी आपको इसमें मिल जाता है एंड गेमिंग भी आपको इसमें अच्छा एक्सपीरियंस एक दे देगी। बैटरी इसमें देखें तो आपको इसमें टोटल 48 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलता है विदाउट ANC एंड इसमें आपको 7-8 आवर्स का बैकअप मिलेगा ऑन अ सिंगल चार्ज। एंड अगर आप ANC ऑन करके इसे यूज़ करते हैं तो 4-5 आवर का प्ले टाइम मिलेगा ऑन अ सिंगल चार्ज एंड टोटल 32-35 आवर का प्ले टाइम आपको इसमें मिल जाएगा। साउंड क्वालिटी बहुत ही कमाल की आपको इसे मिल जाती है, तो म्यूज़िक अगर आप के लिए ले रहे हैं स्पेशली, तो ये मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड करूँगी। बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी आप इसमें इंजॉय कर सकते हैं। 12.4mm के टाइटेनियम ड्राइवर्स आपको इसमें मिल जाएंगे, तो वोकल ट्रेवल सब कुछ काफ़ी क्लियर है और काफ़ी अच्छा साउंड आप इसमें इंजॉय कर पाएंगे। रेट है इसका 1699 रुपये, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो जाके आप इसे वहां से बाय कर सकते हैं। सेकेंड पोजीशन पर आता है फ्रेंड्स Realme Tech Life T100। तो हाल ही में Realme ने इसे लॉन्च किया है, काफ़ी बढ़िया ईयरबड है ये एंड आप इसे देखें तो काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज में आता है, काफ़ी सॉलिड प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ है एंड मैट फिनिशिंग आपको इसमें देखने को मिलती है। बर्ड्स भी इसे काफ़ी कंफर्टेबल है, लॉन्ग टाइम के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको ये ज़्यादा अनकम्फर्टेबल से फील नहीं होंगे। फीचर्स में इसका देखें तो आपको 5.3 का लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन मिल जाता है एंड 10 मीटर का वायरलेस रेंज मिल जाएगा, साथ में इसके आपको गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। IPX5 वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंस ये भी आपको मिलेगा, बढ़िया सा टच कंट्रोल का फीचर है, अच्छे से काम करता है। AI इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन का आपको ऑप्शन मिलता है फॉर बेटर कॉलिंग एक्सपीरियंस एंड 88 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी के साथ में एक ठीक ठाक गेमिंग एक्सपीरियंस भी आपको मिल जाएगा, एक डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी इसमें दिया गया है। टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट आपको मिलता है एंड साथ ही आपको इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो आप इसमें 10 मिनट चार्ज करते हैं तो आपको 120 मिनट तक का पे टाइम मिल जाता है। बैकअप की बात करें तो आपको 4-5 घंटे का बैकअप मिलता है ऑन अ सिंगल चार्ज एंड टोटल 28 आवर्स का पे टाइम इसमें आपको मिल जाता है। साउंड क्वालिटी भी इसकी कमाल की है, आपको इसमें रियलमी ऐप का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो आप अपने पसंद के हिसाब से इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। बिल्कुल स्टूडियो लाइक आपको साउंड एक्सपीरियंस मिलेगा, वोकल ट्रेवल्स की क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है, मूवी वगैरह भी आप इसमें बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। रेट है इसका 1499 रुपये, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, जाके देख लीजिएगा एंड आप इसे बाई वहां से डायरेक्ट कर सकते हैं, यार क्यों कहीं और जाना। सो फ्रेंड्स, फाइनली नंबर 1 पोजीशन पर आता है ओप्पो इनको बर्ड्स। तो फ्रेंड्स, ये ईयरबड दिखने में काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश एंड एकदम प्रोफेशनल लुक देता है। आप अगर इसे कहीं अपने टेबल वगैरह पर रखेंगे तो ये एकदम ही आपको प्रोफेशनल सा फील एंड लुक देता है एंड इसके बर्ड्स भी काफ़ी कम्फर्टेबल हैं एंड आप लंबे समय तक भी इसे यूज़ करते हैं तो भी आपको ये कानों में चुभते नहीं है एंड अनकम्फर्टेबल फील नहीं देते हैं। इसके फीचर्स अगर देखें तो ब्लूटूथ 5.2 का आपको वर्जन मिल जाता है एंड इसमें 10 मीटर तक का आपको वायरलेस रेंज मिल जाता है। इंस्टेंट पेयरिंग का कनेक्शन जैसे ही आप इसे ऑन करते हैं तुरंत ही आपके मोबाइल के साथ में कनेक्ट हो जाता है। IPX54 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस आपको इसमें मिल जाता है एंड ये AI कॉल नॉइस कैंसिलेशन को सपोर्ट करता है, तो कॉलिंग बहुत ही कमाल की आपको इसमें मिलेगी। मतलब आप अगर पर्सनली कॉलिंग के लिए कोई ईयरबड देख रहे हैं तो ये आपके लिए एक बेस्ट चॉइस है इस प्राइस रेंज के अंदर में एंड आपको इसमें 80ms तक की लो लेटेंसी गेमिंग देखने को मिल जाती है, तो आपको एक ठीक ठाक सा गेमिंग एक्सपीरियंस मिल जाएगा एंड आपको बैटरी इसमें 6 आवर का बैटरी ऑन अ सिंगल चार्ज मिलता है और आप इसे 4 बार चार्ज कर सकते हैं, तो टोटल आपको 24 आवर का प्ले टाइम मिल जाता है, बट ये डिपेंड करता है आपकी वॉल्यूम पर, ये तो आप जानते ही हैं।
और रही बात इसके साउंड क्वालिटी की, तो फ्रेंड्स साउंड एकदम कमाल का आपको इसमें मिलता है। आपको एकदम ज़बरदस्त इसमें बेस, मतलब बैलेंस का पूरा साउंड आपको इसमें मिलेगा, चाहे बेस हो, वोकल्स, ट्रेवल्स की क्लैरिटी हो, हाईज, लोज, मिड, सब कुछ बहुत ही अच्छे मिलेंगे। तो अगर आप म्यूज़िक के लिए भी इसे देख रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट चॉइस है, आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। नॉर्मली ये अंडर 2000 के बेस्ट ईयरबड्स में आता है, लगभग 1700-1800 के रेंज में, बट इस समय इसका जो व्हाइट कलर वाला वेरियंट है वो 1499 रुपये में आपको मिल जाएगा। लिंक मैंने इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके इसे आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि चाहे कॉलिंग हो या एक अच्छा म्यूजिक एक्सपीरियंस हो, आपको ये बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। तो ये मस्ट रिकमेंडेड है, एक बार जरूर चेक कीजिएगा। ओके, सो ये रहे फ्रेंड्स वो 5 ईयरबड्स। आपको इसमें से कोई भी पसंद आता है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है सभी के, आप बाय कर सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि इनमें से किसी के भी जगह पर कोई और ईयरबड होना चाहिए था, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप उसमें मन भर के कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो तब तक के लिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। जय हिंद।